नमस्कार दोस्तों, एक बलोच लड़की ने कराची आई एक बलोच लड़की कराची और वहां पर आकर खुद को उड़ा दिया। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 लोग यहां पर मारे गए। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है चाइना, उनके साथ रिलेशन हमारे कैसे बिगड़े, उसको लेकर यहां पर यह सारी चीजें की जा रही है। अब जरा देखने वाली बात यह है पाकिस्तान के अंदर कि वही बलोच लोग हैं जिनको आपने अत्याचार दे देकर, अत्याचार कर आपने उनको मजबूर कर दिया कि भाई अब उनके लिए मौत भी एक ऐसा लग रहा है कि भाई काम बात है, मर जाएंगे और क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, और देखिए कि मतलब कौन बात कौन कर रहा है। एक वही लोग कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, चाहे वो हाफिज सईद वाली सिचुएशन हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो। अब न्यूज तो आएगा ही थी कि भी मौलाना मसूद अजहर ठोका गया है, लेकिन फिर भी अगर उसको काउंट कर लो, चाहे वो लखवी हो, खुद मतलब अपने कंट्री के अंदर खुद ये सारी सिचुएशन है और दूसरों को दोष देते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त चीन, उससे भी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हो रही है। बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो वुमेन फीमेल सुसाइडर का जो है वो इंतहा हुआ है। और कराची में बेसिकली 3 चाइनीज जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। उबैना खुदकुश बम्बार खातून जामे कराची तक कैसे पहुंची, खास तौर पर उस लड़की खुदकुश बम्बार की जिसने वहां पर अपने आप को उड़ा लिया और जिसके नतीजे में 4 लोग जान बहक हो गए। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है। तो अब इसीलिए शायद वज़ीर आज़म गए हैं और फौरन जाकर चाइनीज से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें सीपैक के खिलाफ तो हमें 2 मुल्क ही वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमरीका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? वो लड़की वहां पर कैसे पहुंची, नई CCTV फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। क्या वो लड़की वहाँ पर रिक्शे में पहुँची है, उसका नाम क्या है, वो कौन है, उसका ताल्लुक कहाँ से है, उसका ख़ानदान कौन सा है, क्या वो पाकिस्तानी है या वो अफ़गानिस्तान की है या वो किसी और मुल्क की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत हैरानकुन मालूमात हैं जो सामने आ रही हैं। उस लड़की का नाम शारी बलोच था। शारी बलोच उस जगह पर एक रिक्शे में पहुँची थी। जो CCTV फुटेजेस नई सामने आई हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि शारी बलोच उस जगह पर एक रिक्शे में पहुंचती है, रिक्शे से उतरती है, फिर वो थोड़ा चल के जब आगे आती है तो देखा जा सकता है कि वहां पर एक और औरत, एक और खातून बुरके में मौजूद है। बुरके में मलबूस वो खातून उससे कुछ बातचीत करती है, थोड़ी सी बातचीत होती है, और फिर वो जो पहले से वहां पर बुरका क्लैड वुमेन मौजूद थी वो वहां से चलती हुई वहां से निकल जाती है, चली जाती है। और शारी बलोच उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है कि जहां पर उसने इंतजार करना है उस वैन का, जिस वैन में चाइनीज नेशनल है। उसको अपने टारगेट का पता है, उसको ये पता है कि जो वैन आ रही है उसके अंदर चंद चाइनीज मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और उनको उसने निशाना बनाना है। जब वो वैन उसके करीब आती है तो जो CCTV फुटेज सबसे पहले निकली थी उसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को वहां पर कोई ऐसा महसूस हुआ कि उसने आगे होकर कोई पिन दबाई है या कोई बटन दबाया है अपनी जैकेट को, और अपने आप को वहां पर उसने धमाके से उड़ा लिया। CPAC को पहले भी निशाना बनाया गया, अब आज कराची में जो बहुत ही खतरनाक खौफनाक वाकया हुआ जहां पर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, ये खुदकुश हमला करार दिया जा रहा है। अब तक इत्तला के मुताबिक और खातून खुदकुश हमलावर ने ये धमाका किया जिसमें 4 लोग जांबहक हो गए और इसमें चीनी असातिज़ा शामिल हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर अफसोस का इजहार किया और अभी ताज़ा इत्तला ये हैं कि वो चीनी कौंसिल खाने इस्लामाबाद में गए हैं और इस वाक़े पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। जामिया कराची पहले भी अपने दहशतगर्दी का निशाना यहाँ पर लोगों को बनते देखा, चीनी कौंसिल खाने को निशाना बनाने की कोशिश होती रही, कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश होती रही, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक बात है कि अब हमने दहशतगर्दी में एक और तरह का इजाफा देखा है कि खातून दहशतगर्द खुदकुश हमलावर का इस्तेमाल हुआ इसमें। ये अभी हम खुद देख रहे थे जब ये वाकया हुआ और उसके बाद उसकी फोटेज आना शुरू हुई और उसकी तफसीलात आना शुरू हुई, तो एक अंदोहनाक वाकया हुआ कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस के नाम से एक इंस्टीट्यूट, और शुरू में ही लग रहा था कि चीनी बाशिंदों को या चीनी किसी यानी उनका इदारे को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई है और उन्होंने कामयाबी से ये वारदात की है। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है कि वो खातून खड़ी हुई हैं और उसकी CCTV फुटेज भी चल रही है और फिर वैन आ रही है और फिर वैन जो है वो टारगेट होती है। उसका ड्यूरेशन है इतना कि उसको संभाला जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वहाँ जो है इदारों की क्या पोजीशन है, रेंजर्स तैनात है तो रेंजर्स के होते हुए किस तरह से
खातून अंदर पहुंची है, किस तरह से वो उस जगह पर पहुंची है, फिर वो इतनी देर खड़ी रही है, वो गाड़ी का इंतज़ार करती रही, या उसको गाड़ी दिखा दी गई थी कि इस गाड़ी में वो आएंगे जो उसके टारगेट होंगे, और उसने निशाना बनाया। और चीनी टीचर्स जो हैं, वो जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स थीं ख्वातीन, और एक मात टीचर थे और एक गरीबन ड्राइवर, ये निशाना बने हैं। यह एक अंधोनाक वाकया है, और जो लोग अब ये बात इतनी तो खुल जानी चाहिए, हम उस तरफ तो इशारा कर सकते हैं कि जो लोग सी पैक के ख़िलाफ़ हैं, जो सी पैक को रोक देते हैं, जो सी पैक पर अमल दरामद नहीं होने देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये गेम चेंजर जो है वो किसी तरह से भी आगे ना बढ़ सके, ये उनकी कार्रवाई हो सकती है जी। वो प्लेयर इंटरनेशनल हो सकते हैं, वो प्लेयर रीजनल हो सकते हैं, वो प्लेयर जो हैं लोकल हो सकते हैं। बहरहाल उन्होंने जो इस्तेमाल किया है खातून को, वो अपने अंदाज से वो लोकल ही लग रही है, लेकिन कौन है उसका पस मंजर में कौन है, तो ये तो पुलिस का काम है और रेंजर्स का काम है। अच्छा, और उनकी जिम्मेदारी है और ड्यूटी है वो तो पता चलाएं इस बात का किस तरह से। क्या अख्तर मेहंगल साहब या इस तरह जो बलोच रहनुमा है वो किरदार अदा कर सकते हैं? कि बहुत दफा ये बात होती है कि जनाब ये लोग हैं, इनको कोई मुजाकरात की जगह पर लाया जाए, तो क्या उनका किरदार सुना नहीं? मैं ये कहता हूं कि ऐसी हमें सख्त बात नहीं कहनी चाहिए। पहली बात यह है कि सर बलोच तो इसके खिलाफ नहीं है। बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों से सी पैक के प्रोजेक्ट्स गुजरे हैं, वो चंद एक लोग हैं, और फिर उसमें अख्तर मेंगल का नाम लेना तो बहुत ही अफसोसनाक है। अख्तर मेंगल तो आपके लिए एक चेक हैं कि जो आपके लिए पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं, अब भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, होना चाहिए उन्हें। और उन्होंने इंतहा पसंदी को नहीं आगे आने दिया है, वो उन्होंने जो भी कहा है कानून और आइन के दायरे में रहकर किया है। हालांकि उनके करीबी अजीज जो हैं वो इस तरह नहीं हैं, उनके भाई जावेद लगारी साहब हैं वो। शायद मैं अपनी बात सही समझ पाया, अगर टीटीपी से मुजाकरा की बात हो सकती है तो ये बात होती है कि जी बलूचिस्तान में भी जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में हैं उनको भी कोई मुजाकरात की मेज पर लाया जाए, कोई बातचीत की जाए, उसमें कोई तो बीच में आएगा या नहीं? आपको लगता है कि जो दहशतगर्द हैं इनसे बस निमटना होगा जिस तरह से पहले किया जा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन लेने होंगे? हमने एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले देखे हैं, उसके बाद अब ये है, तो आपको लगता है इसी तरह ऑपरेशन ही वाहिद हल है, या कोई शख्स आगे बढ़कर कोई बात कर सकता है? मैं कहता हूं ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, ऑपरेशन मसाइल पैदा करता है। हमने कराची में भी देख लिया है, हमने बलूचिस्तान में देखा है, हमने बंगाल में देखा है, बंगाल में भी हमने ऑपरेशन देखा था, उसके नतीजे बहुत ही अंधोनाक और खतरनाक होती है। यानी अच्छा, इस बात को मानना चाहिए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। देखें अच्छा, जब कोर कमांडर थे जनरल जंजुआ साहब, तो उन्होंने एक बड़ी हमें ब्रीफिंग दी थी, और उस ब्रीफिंग कुछ पाँच छः घंटे की ब्रीफिंग थी, और उसमें उनसे गुफ्तगु भी हुई थी जी जी। और उन्होंने बताया था कि हम बेस्ट ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं, और वो बड़ी हद तक आगे भी बढ़ रहे थे और काम भी कर रहे थे, लेकिन वो चीजें नहीं हो सकी, वो नहीं हो सके, मटेरियलाइज नहीं हो सकी, नेशनल पार्टी वो नहीं हो सका, उस मामला पर आगे नहीं बढ़ा जा सका। जबकि वो बाद में फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बने थे मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब वजीर आजम थे। नूरुल आरफीन, अब जब दहशतगर्दी हमें नजर आती है तो ये दुनिया भर में हमने देखा है कि सिर्फ ये नहीं कि लोकल उस सतह पर वो हो, कहीं ना कहीं से उसको मदद मिलती है। अगर हम इसको सी पैक से जोड़ें, बाजार तो ये लगता है कि चाइनीज इसमें टारगेट थे, और हमने देखा दासू डैम के बाद यानी काम रुक गया था सी पैक पर। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है, तो अब इसीलिए शायद वजीर आजम गए हैं और फौरन जाकर चाइनीज से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें सीपैक के खिलाफ तो हमें दो मुल्क ही वाजे तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? यकीनन शक के डांडे तो दोनों ही तरफ जाते हैं। अमेरिका को आप दिल में कोसते रहिए, अमेरिका का आप बिगाड़ वैसे कुछ सकते नहीं है, इस बात पर बहस करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाएं। भारत रह गया तो भारत को हवा देने के लिए भारत के कुछ और गुर्गे, कुछ और गुमाश्ते, कुछ और हरकारे आप यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी मौजूद हैं। उज़ैर बलोच को जो गरीबान से पकड़ करके लेकर के आया गया था वो भी ईरान से ही आया था, तो किधर गया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और किधर गई वो सारी बैनुल मजहब हम आहंगी जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं।
तो ये अब कैमरा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी के तो आलात वहां पर लगाए गए हैं, तभी कैमरा मौजूद था बिल्कुल उस जगह पर जहां खातून आकर उसने धमाका किया है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कहीं लैप्स हुआ है। अब इसको क्या मजीद किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इस तरह तो चाइनीज यहां पर आ नहीं सकेंगे अगर ये हालात रहे तो। देखिए, चाइनीज की सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में हमेशा से जो फजा रही है वो नासाजगार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नविश्ता दीवार है, अगर कोई इसे नराब करता है, सरफे नजर करता है, तो वो उसकी अपनी कोई हिमाकत होगी, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। शुरू से अब तक पाकिस्तान में ये सारे सियासी मफादात के खेल होते हैं, ये सारे रियासती मफादात के खेल होते हैं। पाकिस्तान की बार बार जो माजरतों को कबूल करके और चाइना बार बार आ करके यहाँ अपने लोगों की कुर्बानी देता है, और उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, उसके पीछे कोई ना कोई मुनफात है, कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है। हुकूमतों के, रियासतों के मफाद इन सब चीज़ों से बालतर होते हैं, इसी वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स लेतो लाल के जरिए से ही सी पैक के साथ जो हशर किया गया, मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसमें बहुत से पर्दा नशीनों के और फिर कुछ ऐसे लोगों को भी नाम आते हैं कि जिनके साथ शायद कौमी मफाद की जड़ें भी निकलती हैं। सी पैक की कमबख्ती ये थी कि सी पैक इमरान खान सरकार के दौर में सी पैक के साथ जो कुछ किया गया, जिन लोगों को वास्कट पहना करके और सी पैक की खिदमत पे लगाया गया, उनका अपना माजी इतना दागदार था कि वो सी पैक अथॉरिटी के साथ उन्होंने जो कुछ किया, सी पैक के दीगर मामलात के साथ जो कुछ किया, चाइना का रिजर्वेशन उस हवाले से भी मौजूद था। साफ जाहिर होता है कि वहां अमरीकी मफादात को बचाने के लिए, अमरीका के मामलात को ऊपर रखने के लिए चाइना के मफादात के साथ खिलवाड़ किया गया। इस बात के मैं शवाहिद की बात नहीं कर रहा, इस बात के इल्जामात मुतअद्दिद मरतबा चाइनीज अथॉरिटीज की जानिब से सामने आते रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा तहफुजात को दूर किया जाए। अब कुछ और मजीद आगे बढ़कर करना होगा, क्योंकि माजी में ये तो कहा गया कि जितनी हो सकता है सिक्योरिटी दी जाएगी, बढ़ाई भी गई, लेकिन अब ये फिर क्या हुआ है इस पर सबको मिल बैठकर सोचना होगा। व्यूअर्स, बेसिकली आज मेरा टॉपिक D2M टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि अभी लॉन्च होने वाली है इंडिया में। D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी, 3G 4G भी जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है, प्रॉपरली वो भी काम नहीं करते। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं पर भी यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसी में उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, 6G को वो लीड कर रहे हैं, और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने D2 टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, इसके बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या कहने वाली है, कैसे कंपैरिजन करने वाली है पाकिस्तान और इंडिया का, आइए जानते हैं लोगों से क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं। देखिए जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते, इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G भी फंसे हुए हैं, उसमें भी ग्लिच आ रहा है, ठीक है। और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ, तो वो 4G साइन खत्म होता है और हम लोग H में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया, उसने पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया, और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की कर गए तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है, यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायदे आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विजन उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे, हमने PIA से एमरट्स बनाई, और एमरट्स आज PIA को बीट कर गया। क्या वजह है? हमारे यहाँ मामला करप्ट हैं, करप्ट निज़ाम का हम लोग हिस्सा हैं। जब हम लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इंटरनेट पे बात करेंगी, इंटरनेट तो हम लोग वो एक ग्लोबल तरीके से दुनिया के ऊपर जो है ना, इंटरनेट के ऊपर हमसे बहुत आगे हैं। हमें ये अवेयरनेस अपने बच्चों को देनी पड़ेगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उन हकूक के ऊपर काम होगा, आई थिंक हम इंडिया को बीट करेंगे। हमें इस चीज़ का आइडिया है, हम वो कौम है जो दुनिया को बीट कर सकते हैं किसी भी मुकाबले में। हमें तो दुनिया हमें बीट करी जा रही है, और दुनिया हमें पाकिस्तान वापस भेजी जा रही है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। हम लोग तो बाहर अब्रॉड जा ही नहीं सकते, आपके पासपोर्ट की वैल्यू ये चलती है कि वो हमारा पासपोर्ट दे
देखते हैं हमारे वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा स्किल लेके आता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको पूछा ही नहीं जाता। लोग दूसरे कंट्रीज की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये कह दिया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर, इमरान खान के कहने के बाद जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने एक सर्विंग टू स्टार जनरल, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर भी FIR कटवाने की बात की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात बड़ी, सारी बात है, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है, नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है, फौज के पास है, सियासतदानों के पास है, जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, अभी इसमें फौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा, और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई, और उसका कसूरवार जो है वो फौज तो है ही है लेकिन सियासतदान भी है। आज हर एक अधिकार जो एक महिला को दिल्ली में है, मुंबई में है, झारखंड में है, जौनपुर में है, बनारस में है, वो एक कश्मीर की महिला को भी है। इधर इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 370 लगा कि उस महिला का अधिकार आप छीन रहे हैं। आज अगर मैं अर्जुन ने हमने दो चार पहले भी डिस्कशन किए हैं, इंडिया छोड़िए आप, आपको पता है मिडिल ईस्ट से कितनी सारी कंपनीज कश्मीर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप क्यों चाह रहे हो 370 हटने के बाद ही हुआ, आप बल्कि बोलो कि नहीं लगाओ ताकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए आप बताइए। आपकी सरकार जा रही है सबसे उन्हीं वही मिडिल ईस्ट से लोन ले लेके पैसे मांग मांग के कि आइए हमको थोड़ा पैसे देते हैं, और वो बिना बुलाए सामने से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर कोई मिडिल ईस्ट की कंपनी या मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट आके कश्मीर में मॉल बनाना चाहती है, आज मल्टीप्लेक्स हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर आवाम के सर पर पेट्रोल का बम गिराने के बाद रफू चक्कर हो चुके हैं टर्की, 22 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। पाकिस्तान इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकलती है, हालात ये है। इतनी हालत पतली हो गई है। ये वो लोग थे दोस्तों जिनकी पहले ऐसे वीडियोस आती थी कि हम कश्मीर को एक हफ्ते में लेंगे। आपने सिर्फ जाके भीख मांगनी है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत के सौदे करने हैं। आज जब आटा, बिजली, गैस, ईंधन, पेट्रोल सब कुछ खत्म हो गया है इनके पास, तो आज इनकी ऐसी वीडियो आ रही है, इंडिया हमारा भाई है बगैर तो कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है, वो हमसे 1000 times आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। हम लोग उन्हें बड़ा लाइक करते हैं, हम उन्हें भाई मानते हैं, दुश्मन नहीं मानते। वो बहुत बेहतरीन कौम है। हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में रहकर लोग इंडिया की तारीफें करते हैं बगैर तो। पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे, मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। मगर 22 रुपए से कोई पाकिस्तानी नहीं है जो इससे बचता हो, सिर्फ साइकिलों वाले बेचारे बच जाते हैं। एक दिन पाकिस्तानी जो है वो इंडिया का झंडा अपने हाथों में उठा के पाकिस्तान की सड़कों पे चक्कर लगाए और बोले कि जय हिंद, यही देखने की उम्मीद है और ऐसा दिन आएगा दोस्तों। पाकिस्तानियों को अब एक बहुत खौफनाक जंग के लिए तैयार होना चाहिए। हम इसे अहदीश शरीफ की रोशनी में गजवा हिंद कहते, लोग इनकार करते फिर जी गजवा हिंद हो चुका, अब तो होगा ही नहीं, जो मर्जी नाम तुम लो भारत से तुम्हारा तसादम तो होगा। यही लोग हिंदुस्तान का तिरंगा उठा के इस्लामाबाद की सड़कों पे दौड़ेंगे और जय हिंद का नारा लगाएंगे दोस्तों, ये हमारा आपसे वादा है।
वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, कोई भी सिचुएशन हो अगर आप जैद हामिद को सुनोगे तो वो वही कहता हुआ नजर आएगा कि भाई हमें जो लड़ाई है ना आने वाले दिनों में, इंडिया तो डेफिनेटली अटैक करने वाला है, उसने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है, मोदी, अजीत डोवाल, अमित शाह ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है और ये लड़ाई जो है वो हमें लाहौर, कराची, पेशावर या फिर इस्लामाबाद में नहीं लड़नी है, हमें लड़ाई वहां तक ले जानी है, मतलब इंडिया में लानी है और इंडिया को नुकसान पहुंचाना है। अब देखिए कई सारे पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं जो बकवास करते रहते हैं, लेकिन आज की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की उसको ध्यान में रखकर वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, रोजगार और जो रोजगार है वो मिलना शुरू हो जाएगा पाकिस्तानियों को, बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पर कम हो जाएगी, महंगाई भी बहुत बहुत बड़े लेवल पर कम हो जाएगी। लेकिन ये जैद हामिद ये हमेशा आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि हमें, मतलब कि पाकिस्तानियों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा इंडिया के लिए, क्योंकि मोदी कभी भी हमला कर सकता है और ये तो ये भी कह चुका है कि श्रीनगर तो गया, अब लाहौर की बारी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मैंने जो इतने हरसे से आप लोगों को बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी इनको दिमाग से मारेगा, वो दिमाग से मारना आज वही है कि कटोरा लेके घूम रहे हैं पर कटोरे में 54 टक्का डालने के लिए कोई नहीं मिल रहा इन लोगों को, इतनी हालत पतली हो गई है। ये वो लोग थे दोस्तों जिनकी पहले ऐसे वीडियोस आती थी कि हम कश्मीर को एक हफ्ते में लेंगे, बस हम आ रहे हैं, हम निकल चुके हैं अपने घरों से और हम मोदी को गुजरात में जाके पकड़ेंगे, न्यू दिल्ली में जाके पकड़ेंगे, दिल्ली से उठा लेंगे, हम झंडा लहरा देंगे जो है पाकिस्तान का इंडिया के अंदर, इतनी बहुत सारी बातें जिसे उस टाइम भी सुनकर हमें हंसी आती थी। तो आज इनकी वो वीडियोस नजर नहीं आ रही कि हम आ रहे हैं कश्मीर और जंगे जज्बे से लड़ी जाती है, हमारे अंदर तो बड़ा जज्बा है, हमारे अंदर तो बड़ा पुस्की वाला गैस भरा हुआ है। कहते हैं जब गांव में, जो गांव में सूखा पड़ जाता है ना तो आशिक माशूके को भूल जाता है और माशूका आशिक को भूल जाती है, फिर सबके सरों के ऊपर डब्बे और पतीले होते हैं और फिर वो पानी भरने के लिए गांव गांव भटकते रहते हैं। तो ये जो होता है सेम टू सेम वही है कि आज जब आटा, बिजली, गैस, ईंधन, पेट्रोल सब कुछ खत्म हो गया है इनके पास, तो आज इनकी ऐसी वीडियो आ रही है इंडिया हमारा भाई है, बगैर तो मेरी तरफ से करोड़ों लानते आपके मुंह पर कि जो बातें हम आपको पिछले 5 साल से बता रहे थे तुम लोग मुझे रा का एजेंट है, पठान भाई रा का एजेंट है, आज पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में रहकर लोग इंडिया की तारीफें करते हैं, बगैर तो इंडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं, आज कोई नहीं बोल रहा कि वो रा के एजेंट से। आज देखें दोस्तों कि ये लोग प्यार की बातें करते हैं, कहते हैं इंडिया हमारा भाई है, मैं कल तक काफिर था कि इंडिया को भाई बोलता था, आज ये लोग पाकिस्तान में बैठ के बोलते हैं इंडियन हमारे भाई है। तो आज मैं इनसे पूछता हूं कैसे हो काफिरों, क्या करें ससुरा। एक फायदा तो हो गया भाई, वो फायदा ये था कि कल तक मैं ही सिर्फ रा का एजेंट था, आज रा के एजेंट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और पूरा आधा पाकिस्तान रा का एजेंट हो चुका है। रा शेख रशीद बोलते हैं ना रा का एजेंट। तो भाई आज पूरा पाकिस्तान रा का एजेंट हो चुका है, अच्छी बात है और हम यही देखना चाहते हैं कि एक दिन पाकिस्तानी जो है वो इंडिया का झंडा अपने हाथों में उठा के पाकिस्तान की सड़कों पे चक्कर लगाए और बोले कि जय हिंद जय हिंद, यही देखने की उम्मीद है और ऐसा दिन आएगा दोस्तों, ये बात याद रखना, ऐसा दिन आएगा कि खुद पाकिस्तानी इंडिया का झंडा तिरंगा उठाकर पाकिस्तान लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और पता नहीं कौन सा तान, ये सारे सड़कों पे तिरंगा उठा के अपने मुंह से चिल्लाएगा कि जय हिंद जय हो भारत माता की, ये खुद चिल्लाएंगे और मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा दोस्तों ये मेरी बातें जरूर रहेगी और ये होता रहेगा। यही लोग हिंदुस्तान का तिरंगा उठा के इस्लामाबाद की सड़कों पे दौड़ेंगे और जय हिंद का नारा लगाएंगे दोस्तों, ये हमारा आपसे वादा है। हमने
आपको पहले भी बोला था कि हम YouTube में हिंदुस्तान का राज करवाएंगे, ये ट्रोलिंग श्रोलिंग, ये हिंदुस्तान को गालियां शालियां, हमने कहा था हम सबकी दुकानें बंद करवाएंगे, हमने अपना वादा पूरा किया, हमने सबकी दुकानें बंद करवाई, जो इंडिया नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे लोग थे जो गालियां देते रहते, सबकी दुकानें क्लोज दोस्तों, ताले लगो, तालों में भी जंग पड़ गया है। हमने ये भी वादा किया था कि हम इनको सुधार के दिखाएंगे, और आज दोस्तों देखें कि यूट्यूब के अंदर कोई माइक का लाल नहीं है जो बोले कि इंडिया गलत है और इंडिया ने ऐसा किया, और कोई भी माइक का लाल यूट्यूब के अंदर नहीं है जो इंडिया को गाली दे सके। भले पाकिस्तान का कट्टर से कट्टर मुस्लिम क्यों ना हो, कट्टर से कट्टर आतंकवादी क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत आज एक पाकिस्तानी के अंदर नहीं है जो यूट्यूब में इंडिया के खिलाफ बात कर सके। जिसको देखो इंडिया की तारीफ, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ, इंडिया के कल्चर, इंडिया के रूल्स, उनके डिफेंस पर वीडियो, उनके आर्मी पर वीडियो, उनके पुलिस पर वीडियो, उनके सीरियल ड्रामे फिल्में गाने शाने ईटीसी, यहां तक के हिंदुस्तान में एक बच्चा हगता है ना, पोटी करता है, टट्टी करता है, तो उस पर भी एक पाकिस्तानी वीडियो रिएक्शन जरूर बनाता है, बोलता है क्या सुंदर टट्टी की है बच्चे ने। ताइवान बार बार अप्रोच कर रहा है इंडिया को, कह रहा है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप करो। इस टाइम इंडिया की जो काइट है वो हवाओं में उड़ रही है और पाकिस्तान अभी सिर्फ उनके काइट उड़ते हुए ही देख रहा है। देखा जाए तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इंडिया का नाम बन चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत की बड़ी इज्जत करते हैं और भारत को बहुत ऊपर देखते हैं। क्या पाकिस्तान दे सकता है ताइवान को? ताइवान को पाकिस्तान बहुत कुछ दे सकता है, जो चीज ताइवान को चाहिए पाकिस्तान दे सकता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज है कि इनके पास कुछ नहीं है। क्या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए? अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कौन? वही तालिबान। इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान की अवाम के साथ। बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के मुंह पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे। अमेरिका है ना, उधर का अगर फर्ज करें $1,000 है, ठीक है, $1,000 है, वो ये देखे मेरा इतना बड़ा वॉलेट है, इसके अंदर वो नजर भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी ₹1,00,000 डालें वो इसमें पूरे ही नहीं आएगा, तो वर्थ किसकी ज्यादा हुई पाकिस्तानी करेंसी की? इसलिए पाकिस्तानी करेंसी के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अब तालिबान डबल गेम खेलते हैं, तालिबान बड़े सियाने, उनको समझ लग गया अब मुल्कों को कैसे भगाना है और क्या करना है। इंडिया से हर बंदा जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर बंदा हर घर में से एक आधा बंदा तो है। आप उनका रेमिटेंस ही देख लो, इस दफा $100 बिलियन दे हैव क्रॉस्ड इज $100 बिलियन। मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है ना, ठीक है, हमारे एक जनरल के पास से निकल आता है। हु इज मुकेश अंबानी? सर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? ये इन्फॉर्मेशन मेरी सारी खुद की बनाई हुई है, ये मुझे गॉड गिफ्टेड इन्फॉर्मेशन है सारी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ताइवान और इंडिया के बीच में कभी भी एफटीए हो सकता है, मतलब कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो सकता है, इसको लेकर बात हो रही है। देखिए, एक समय था जब ये पूरे के पूरे जो सार्क नेशन थे या फिर कोई और ग्रुप था उसमें एक साथ में मतलब यहाँ पर एफटीए साइन करना था, लेकिन वहां पर चाइना की कुछ मोनोपोली थी और हमें ऐसा लगता था कि भी हमने यहाँ सीधा अलाउ कर दिया तो उस ग्रुप में चाइना भी था तो चाइना को भी यहाँ पर सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, तो हमने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद सारे अलग अलग कंट्री के साथ नए नए रूल्स या फिर कहे कि सारे कंट्री के साथ अलग अलग रूल्स एंड पॉलिसी के हिसाब से हम अलग अलग एफटीए कर रहे हैं, और यहां पर इसी लोग को लेकर बात हो रही है कि भी एफटीए हम जो है वो ताइवान के साथ करना चाहते हैं, मतलब ताइवान यहां पर ज्यादा पुश कर रहा है इस चीज को। अब देखिए, इसके साथ साथ पाकिस्तान की तो जलेगी, लेकिन साथ में और किसकी जलेगी? चाइना की भी जलेगी, और यहां पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ताइवान बार बार अप्रोच कर रहा है इंडिया को, कह रहा है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप करो। अगर मैं ताइवान की बात करूं तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन में ताइवान बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, और ये कह रहा है कि हम सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हमें चाइना की टक्कर की एक ही मार्केट इस पूरी दुनिया में नजर आ रही है जो कि ईमानदारी से काम करती है, जिसकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसकी इकोनॉमी अब आने वाले अरसे में बहुत ही आगे जाने वाली है, वो इंडिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो और इंडिया को भी फायदा हो। देखे ना, अब चाइना की हमारे साथ ज्यादा लगती है,
इंडिया के उनके साथ बनती भी नहीं है, तो ताइवान और चाइना का बहुत अच्छा है, तो उनको ये चाहिए कि इंडिया को छोड़ के उनको पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए ना। इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तान में मतलब क्या पाकिस्तान दे सकता है ताइवान को? ताइवान को पाकिस्तान बहुत कुछ दे सकता है, जो चीज़ ताइवान को चाहिए पाकिस्तान दे सकता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ ताइवान को चाहिए ये खुद बना के दे सकते हैं, इतना टैलेंट हमारे पास कूट कूट के भरा हुआ है। ये टैलेंट 75 सालों से है कहाँ, आप मुझे ये बताइएगा। मैं अभी देखे ना, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने कोई गलत काम करना हो ना, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेते रख लेते हैं, उसके बाद वो जो भी उसने काम करना है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, वो करके उसके बाद दाढ़ी मुनवा देगा, किसी को क्या पता है वो कौन है, गेटअप चेंज कर लेगा। ये चीज़ है कि पाकिस्तान 75 सालों में टैलेंट जो है हमारे अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप मुझे, आपने ये बोला है कि ताइवान पाकिस्तान को प्रेफर क्यों नहीं करता, आपको पता है ताइवान सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो चाहता है कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर प्रोडक्शन हो इंडिया में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो ही उनकी इंडिया के साथ? नहीं, देखें ना, अब इंडिया के साथ ही सारा कुछ कर रहे हैं, जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक था व्हीकल थी रक्षा, वो भी उन्होंने उधर ही लॉन्च किया, 1 करोड़ रुपए का उन्होंने वहां पे दिया, लोग वहां पे अफोर्ड करेंगे वो लेंगे, लेकिन लिटरली स्पीकिंग अगर वही चीज वो पाकिस्तान के अंदर लेके आए ना, 10 करोड़ का भी रखे लोग लेंगे, ये चीज आपको पता है। अब देखें, यहाँ पे एक चीज है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको इंडिया की मिसाल नहीं दूंगा, मैं आपको पाकिस्तान की आज मिसाल देता हूँ। अब देखें कि एक इंसान है, उसकी 4 से 5 लाख रुपया पाकिस्तानी महीने की सैलरी है, अगर वो 2 लाख रुपया साइड पे करता जाए ना कि 2 लाख में से मैंने एक पैसा यूज नहीं करना, तो आपको 36 to 37 months लगते हैं एक V8 क्रूजर खरीदने में, और आप रोड के ऊपर निकले तो आपको 20-20 क्रूजर वैसे रोड पे खड़े पाकिस्तान में नजर आते हैं। इंडिया के अंदर यह चीज नहीं है, पाकिस्तान में कहते हैं गुर्बत है, पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, यहाँ पे आप चारों तरफ देख लें कोई भूखा बंदा नहीं सोता, इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा गुर्बत है, लोग भूखे सोते हैं, तो इसलिए उन्हें हमें प्रेफर करना चाहिए, उनको क्यों प्रेफर करते हैं? वर्ल्ड बैंक को नहीं ना मानते आप? मैं बिल्कुल वर्ल्ड बैंक को नहीं मानता, वर्ल्ड बैंक कौन होता है मैं कुछ कहने वाला? वर्ल्ड बैंक ने आपको कहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर है, और वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है इंडिया भाई तीसरे नंबर पे आने वाला है, $100 बिलियन पे उनके रेमिटेंसेस होने वाले हैं। और जहाँ तक बात है एविएशन की बात की ना आपने, एविएशन की और उनके डिफेंस की, उनके सिक्योरिटी की, तो यार इंडिया से हर बंदा जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर बंदा हर घर में से एक आधा बंदा तो है। आप उनका रेमिटेंस ही देख लो, इस दफा $100 बिलियन दे हैव क्रॉस्ड इस $100 बिलियन, यार बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, पता नहीं कितने होंगे जिनका रजिस्टर नहीं हुआ, जिनका रजिस्टर्ड है उनकी अमाउंट कलेक्ट करके $100 बिलियन बन रही है, तो सोचो बाकियों का कितना होगा। तो जब वही लोग पूरी दुनिया में फैल के वहां पे जाके अपना काम अपने हार्डवर्क से शो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि यस वी आर वर्किंग, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत हद तक आपकी कंट्री को मेंशन करती है, लेबल लगाती है उसके ऊपर, और इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में जाके उस चीज को मनवा रहे हैं। इस वक्त इंडिया में जितने एयरबेसेस चल रहे हैं, गुजरात वाला मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, तो जितने भी चल रहे हैं उन सब पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो उनकी जितना भी काम है उनकी एयरबेसिस का, उसको कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, जरा सी मिस्टेक पे उनकी पूरी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, हर चीज मतलब इतनी ज्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हमारे यहाँ हमने अपना एयरलाइन, हमने अपना रेलवे, हर चीज गिरवी रखवा दी थी जब हमें लोन की जरूरत थी। हाँ, बाजवा जी जो कहते हैं कि उनकी तनख्वाह इतनी कम थी और फिर भी वो करोड़ों के बल्कि अरबों खरबों के मालिक हैं आज, तो ये सवाल उनसे पूछना, प्रॉपर्टी इनके नाम आई कैसे? रिबाहा रिबाहा, हद एक आर्मी ऑफिसर की कितनी सैलरी होगी? डू यू नो आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्मी फैमिली, एक आर्मी ऑफिसर की सैलरी जो है अगर बहुत ज्यादा लगाओ ना, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम, तो वो 5-6 लाख से ज्यादा नहीं होती, और उनके लाइफ स्टैंडर्ड उस तरह का होता है कि 5-6 लाख यूं जाता है यूं। तुम बीइंग अ यूट्यूबर तुम्हें आइडिया होगा कि यार यूट्यूबर्स का अगर इतनी अर्निंग आ रही होती है 3-4-5 लाख तो कैसे उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता, फिर रुल रहे होते हैं सड़कों पे। तो सोचो कि रुलने के लिए जाती है, भाई और कमाएंगे तो खाएंगे ना, ऐसा ही है। तो एक आर्मी ऑफिसर जिसका लाइफस्टाइल इतना एक्सपेंसिव है, जिसने स्टैंडर्ड इतना मेंटेन रखना, उसका 5-6 लाख से कहाँ गुजारा होता है? वो बंदा जब रिटायर होता है तो जखीरे बने हुए होते हैं। यार मेरे बाप ने रिटायरमेंट खुद ली है, हमारे पास तो कोई जखीरा नहीं है भाई, हमने तो कहीं नहीं देखा, मेरे बाप ने आइलैंड खरीद लिया हो पूरा,
क्यों, किधर से, कहां से आता है वो पैसा? वो हमारी जेबों से निकला हुआ होता है। 71% इस वक्त जो है आर्मी को जा रहा है, डिफेंस को जा रहा है हमारे मुल्क की इकोनॉमी में से 71%, और सिर्फ मेरे ख्याल से 5-6% या 3-4% हमने एजुकेशन के लिए रखा हुआ है। ये जो एसए लिखने का कहा गया, ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैंपस का है, क्विज नंबर 4 है। द जूलियन मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर। खबर है कि सऊदी अरेबिया अप्रोचेस आईपीएल ओनर्स with plans to set up world's richest league in the Gulf. Julian already taking birth control pills and Mark, ये मैं नहीं बोल सकता। हमने जो अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करने का रास्ते जो है सारे तैयार किए हुए हैं। यार मतलब ये मतलब मुझे शर्मिंदगी आप लोगों के सामने पढ़ते हुए हो रही है, और ये बच्चों को दिया गया कि इस पे आपने मजमून लिखना है। हमारे मजहब में तो सबको आजादी है, हमारे मजहब में तो अमन की बात की गई है, हमारे मजहब में तो मोहब्बत की बात की गई है। अब देखिए ये भी एक बड़ा अजीब फलसफा है, आप अल्लाह अकबर कह के गर्दन काट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अमन का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये सब इस मुल्क में हो रहा है। हम तो चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जले, हम चाहते थे कि इंडिया का कारोबार ना हो, हम चाहते थे कि जी अगर इंडिया अगर तरक्की करेगा तो हमें नुकसान होगा। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है, आपके कौमी परचम के साथ जो कुछ हो रहा है, अलियास बिल्ला, अब हम क्या क्या रोना रोए। अब हमको हंसी आती है कभी कभार यार कि वो पाकिस्तानी जिनसे कहता है कि इंडिया के मुसलमान बहुत बुरी हालत में, जिसने खुद 20 लाख मुसलमानों को मरवाया हुआ है, कभी अपना एयरबेस देकर, कभी अपना फौजी अड्डा देकर। फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पार्ट पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सैयदा तय्यबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, जकिया मुजकिया, हजरत सैयदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए, ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई। हमारी रेखा के नीचे नहीं है कि हम इंडिया और अफगानिस्तान के नेबर है, हमारी और कोई रेखा के निशान नहीं है, हमारा और कोई जान पहचान नहीं है। उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की होने के बावजूद भी बार बार इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है। यहां पर भी यही बोल रहे हैं कि भाई इस्लाम को बचा लो, इस्लाम खतरे में आ रहा है वगैरह वगैरह। देखिए अब एक चीज मतलब नए सिलसिला शुरू हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, और ये चीजें ये सारे मौलवी और मौलाना को बहुत ही मतलब खटक रही है। वो कई बार कहते हैं उनके जो मदरसे में स्टूडेंट्स होते हैं या फिर दूसरे जो लोग होते हैं उनको बार बार ये कहते हैं कि भाई देखिए ये सारी चीजों के जमेटे में ना आए, लेकिन वो लॉजिकल होते हैं। देखिए एक्स मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, वो लॉजिकल होते हैं। यहां पर भी ये बात हुई है कि तकरीबन 4 लाख लोग जो है वो अचानक से एक्स मुस्लिम हो गए हैं, और परसेंटेज तो ऐसा आ रहा है कि 15-20% दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, लेकिन वो खुलकर बाहर नहीं आ रहे क्योंकि उनको सोसाइटी का डर है या फिर अपने घर वालों का डर है। जिस दिन उस सिचुएशन से बाहर आ गए वो खुल के बाहर आ जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। करना बहुत जरूरी होता है। मेरे हाथ एक एसए का जो नोटिफिकेशन था वो लगा, और जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा हैरतजदा हुआ मैं वो पढ़ने के बाद कि यार आप यूनिवर्सिटी में इस किस्म की सोच या अप्रोच किस तरह से बच्चों के जहनों में डाल सकते हैं, और आप इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं। अगर इजाजत हो मेरे उलमाए कराम की तो मैं वो एसए का जो नोटिफिकेशन है मैं वो पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूं, ताकि आपको अंदाजा होगा कि मुझे क्यों इतना गुस्सा है। आज से चंद साल पहले भी एक स्कूल में किताब पढ़ाई जाती थी, तो मैंने उस पर भी बड़ा शोर मचाया था, तो अल्लाह का शुक्र है वो किताब बैन हुई। ये जो एसए लिखने का कहा गया, ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैंपस का है, क्विज नंबर 4 है। प्रोग्राम यानी क्लास जो है फॉलोइंग टॉपिक, द जूलियन मार्क सिनेरियो। द जूलियन मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर इन फ्रांस ऑन समर वेकेशन फॉर कॉलेज। वन नाइट दे आर स्टेइंग अलोन इन द केबन नियर बीच। दे डिसाइडेड दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन। दे ट्राइड
they tried whatever at the very last it would be a new experience for each of them. Julian already taking birth control pills and Mark ये मैं नहीं बोल सकता just to be face they both enjoy but they decided never do it again they keep the night special secret which makes them feel even closer to each other what do you think about this what it okay for them यार मतलब ये मतलब मुझे शर्मिंदगी आप लोगों के सामने पढ़ते हुए हो रही है और ये बच्चों को दिया गया कि इस पे आपने मजमून लिखना है अर्ज ये करनी है इस वक्त कि हम यूनिवर्सिटी कल्चर पर बात कर रहे हैं और मैं इस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रब्बे काबा की कसम मैं जो चीजें अभी देख के आ रहा हूं मैं इतना कांप रहा हूं और मुझे नहीं पता था कि किबला कुरैशी साहब रात मेरे साथ थे वो चीजें मैंने रात को नहीं देखी लेकिन मैंने अभी जोहर के बाद वो चीजें देखी चार बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये जो बात कर रहे हैं चूंकि इस मौजू से मुतालिक बात है तो मैं जरूरी बात करना चाहता हूं वो गुजारिश ये और मैं चाहूंगा कि ये उलमा आखिर में मेरे साथ खड़े होकर इस पर यकजहती का इजहार करें ये तो आप कुछ कम रोना रो रहे हैं मैं आपको सलूट करता हूं कि आप वो लफ्ज नहीं पढ़ सके लेकिन जो कुछ मैं देख के आ रहा हूं रब्बे काबा की कसम कि अगर कोई और वो चीजें देख ले तो इस मुल्क में आग लग जाए लेकिन हमने इस आग पर पानी डालना है हमने आईन के मुताबिक चलना है हमने कानून के मुताबिक चलना है ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज का मसला नहीं है ये कॉलेज का मसला है ये हर शोबा हाय जिंदगी का मसला है इस वक्त जो आपके मुआशरे में बेहयाई और फहाशी जिस तरीके से वीडियोस दिखा के फैलाई गई और फिर उसके नतीजे में जो ब्लास्फेमी की गई है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हजरत अंबियाए किराम की तौहीन हजरत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की तौहीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की तौहीन जिस अंदाज में जिस कभी अंदाज में की गई है मैं वो अल्फाज जुबान पर नहीं ला सकता इंसान के प्राइवेट पार्ट पर मुकद्दसात के नाम लिखकर उनके जरिए किया जा रहा है इस वक्त मेरी हालत यह है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए ये दो तीन लोग नहीं है ये पाकिस्तान में कोई एक दो हजार नहीं है एफआईए साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है 120 लोग गिरफ्तार हो चुके 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है हम करें तो करें क्या किस दरवाजे पर दस्तक दें हम ये सवाल करना चाहते क्या हम मुल्क में जलाओ गिराओ करें ये मुल्क हमारा है अगर हम एहतजाज करेंगे रोकने के लिए पुलिस वाला आएगा उसको हम मारेंगे वो हमें मारेगा वो हमारा भाई है ये हल नहीं है हम इसको किस तरीके से जो है वो हल की तरफ जाएं हल ये है कि वालिदैन अपना किरदार अदा करें हमारे यूनिवर्सिटीज के वीसी से लेकर हमारे यूनिवर्सिटी के शोबों के सरबरा तक प्रोफेसर और लेक्चरार तक आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहां लेक्चर दे रहे और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है अब घर घर की कहानी बन चुकी है मोहतरम फैसल कुरैशी साहब मुझे बोलने दीजिए इजाजत दीजिए मैं अर्ज करूं इसमें किसी मसलक और मकतब का कोई जो है वो इम्तियाज नहीं एक आलम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया देवबंद मसलक का हो या बरेलवी का हो या अहले तशय्यो का हो या गैर मुकल्लदीन के हाथ से हो अहले हदीस के हाथ से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सब इस मुल्क में हो रहा है ए वालिदैन अपना हक अदा करो बच्चों की निगरानी करो और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है उस दिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो मां बाप निगरानी करें इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है आपके कौमी परचम के साथ जो कुछ हो रहा है अलियाज बिल्ला अब हम क्या क्या रोना रोए मैं ये कहना चाहता हूं और मेरी ये गुजारिश है अरबाब इख्तदार से और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं ये तौहीन करने वाले कौन है
जो नामूस रिसालत के नाम पर, सारे नहीं कुछ लोग नामूस रिसालत के जलसे करते, मिलाद का जलसा करते, उनमें तोहीन करने वाले मौजूद है। कुछ लोग वो है कि जो अहले बैत अतहार के तस्करे करते, सैयदा ज़हरा के नाम के तस्करे करके, मैं सिर्फ इशारतन ये अर्ज कर रहा हूँ, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पार्ट पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा ज़किया मुज़किया हजरत सैयदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए, ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत का दिन मनाने जा रहे। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब उलमा आगाही फराम करे, ए वालिदैन रब्बे काबा का वास्ता कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। ये मेरा पैगाम है, ये जज्बाती होना नहीं है। फैसल कुरैशी साहब आप सभी गुजारिश है इन उलमा से कि खड़े होकर पूरी कौम को पैगाम दे कि हम इस मिशन के साथ खड़े। यहां से बोल चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम में से कोई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर एक इस बाब में अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दे ताकि कौम तक एक पैगाम पहुंचे, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस जिस मुल्क में महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है। किबला नहीं हजरत, बिल्कुल मैं इस वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे, दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहां से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू बाटवा एंड बगेसरा विच आर माई एंसेस्ट्रल होम्स। देर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग थिंग्स इन इंडिया, a lot of activity to digitize the country. दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन है, ये बड़ी अमीर कंट्री है, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं। बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल राइट। जो पोर्ट्री आप लोगों के दिमाग में किया गया है भारत को लेकर या हिंदुओं को लेकर, वो बहुत गलत पोर्ट्री किया गया है। भारत उससे कहीं ज्यादा अलग है, बिल्कुल उलट है। पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ, ये जो पक्के वाले घर हैं, ये इस गली में यहाँ आपके घर होते थे, ये वो। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहां कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो। ये हमारे देश की ना खूबसूरती है ये। आप देखिए उस गांव में अब एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन जो मुसलमान की दरगाह है वो अभी तक कायम है, उसकी मेंटेनेंस कायम है। आप सोचिए कितने 100 सालों से वो मेंटेन हो रही है, और हिंदू मंदिर का पुजारी हिंदू मंदिर उसका मेंटेनेंस करता है। आपने एक हवा बना के रखा है कि हम आपके अगर 7 लाख फौज ना हुई, भारत आपको खा जाए। अभी जहाज, भारत के जहाज इस्लामाबाद के ऊपर आ जाएंगे। अभी आपको उस पर प्राउड करना चाहिए अपने हमसाये के ऊपर, सही, कि आपका हमसाया तरक्की कर रहा है, टैलेंटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको डॉलर डूलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहाँ। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ, तो हम लंदन में दुबई में तो आपको पैसे दे देंगे, तो आप देखेंगे फौरन सारे चले जाएंगे शाम तक। लेकिन अभी से जेन बनाओगे, हो सकता है हमारी औलादें जब वो बड़ी हों उन्हें ये मैसेज मिले हों कि यार हमने मेड इन पाकिस्तान बनाना है और इंडिया से सीखना है। नमस्कार दोस्तों, कई सारे पाकिस्तानी है जो कि कैपेबल है इंडिया आने के लिए, या फिर कहे कि उनका बैकग्राउंड इतना क्लियर है कि इंडिया के अंदर आने के लिए उनको वीजा मिल जाते हैं, और उनको कुछ दिनों के वीजा मिल जाते हैं, जैसे 10-15 दिन, 20 दिन, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, अगर वो 2-4 जगह पर भी घूमेंगे फिर भी इतने दिन हो ही जाएंगे। तो एक भाई साहब थे जो कि इंडिया में आए, और वो खास करके गुजरात से उनका कोई रिलेशन था, क्योंकि जब 1947 में जब बंटवारा हुआ उससे पहले भाई साहब मतलब कि यहीं रहते होंगे, गुजरात में रहते होंगे। तो भाई साहब राजकोट गए, उसके आसपास गांव में गए जहां पर वो बसा करते थे और उनके जो पूर्वज थे वो बसा करते थे। वो सारी सिचुएशन तो उनको मतलब कि सरप्राइज करने वाली थी, लेकिन उसके अलावा इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है, अब जरा सोचिए, राजकोट जो है वो गुजरात के अंदर 4th या 5th या 6th नंबर का सिटी आता है,
मतलब वहां पर गुजरात में अगर आप देखो तो अहमदाबाद सबसे डेवलप सिटी है, और उसके बाद अगर आप देखो तो बड़ौदा है, सूरत है, राजकोट चौथे पांचवे नंबर पर आता है। तो राजकोट देखकर ये भाई साहब इतने सरप्राइज्ड हो गए, तो जरा सोचे कि अगर उन्होंने अहमदाबाद देखा होता, हैदराबाद देखा होता, दिल्ली, मुंबई, तो बात ही कुछ अलग थी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे, दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू बाटवा एंड बगेसरा विच आर माई एंसेस्ट्रल होम्स फ्रॉम बोथ माई मटर्नल एंड पटर्नल साइड, वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे। देर इज़ एन एनर्जी दैट यू फील अमंग पीपल एंड द वे टू सम इट अप इज द एनर्जी इज के देर फीलिंग पर्टिकुलरली अमंग आई मेट बेसिकली माई फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज दैट आई वेंट टू कॉलेज विथ वॉज दैट this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, two examples. Bombay mein mochi ke paas QR code tha, theek hai, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचोरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचोरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। राजकोट इज अ सिटी ऑफ 2 मिलियन पीपल, उससे 200 किलोमीटर साउथ टूवर्ड्स द अरेबियन सी इज माय पटर्नल ग्रैंडफादर्स विलेज, गेट बगसरा उसको कहते हैं। 3,000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में अभी भी। अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे, अरे ये तो मेरा गांव मेरा गांव है। तो वही मैं कह रहा था, वहां पे 4G LTE मेरा चल रहा था राइट अप टू द अरेबियन सी। एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मैं मेरे अबू गए हुए वहां पे सामानों पहले, तो उन्होंने कहा वहां एक दरगाह है, तो वहां जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहां दफन है, तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले। उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना। तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता था। अब ये नहीं बोलना कब्र पे QR कोड था। नहीं अच्छा, नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मेरे कोई बच्चा आया, फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं, इतना तो नहीं है, उतना नहीं है, लेकिन लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था, फूल वाले के पास। हाँ, उसके पास QR कोड था, और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से। और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज माई UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड। तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है, रोज सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह। पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया, ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट। एंड मैंने उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें खरीद के आ गया फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, इट्स मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह, उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ हुआ था अच्छा सा, मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3,000 लोगों का गांव है, वहाँ अभी भी लोग काव डंग जला के खाना बनाते हैं, लेकिन स्कूल जो थी ना वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर उन्होंने, मैंने कहा वो दरगाह किधर है, तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट खरीदा, मैंने कहा हाँ, कहता स्कोर के बराबर, मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर, तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें हैं, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा, और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कुछ 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका, तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो दीज वर द पीपल हु कन्वर्टेड द मेमन्स इन दैट एरिया टू इस्लाम
years ago, and then my family, etc., we traced back ke 200-250 saal pehle wo convert hue the. Wahan ki maintenance us dargah ki the Hindu temple does. Mujhe Hindu priest wahan kehta hai ki agar tumhe kuch yahan mangna hai to yahan mango, yahan is peer ke badi jo hai na log kehte hain. Maine usse pucha ki yahan to musalman nahi hai to kaun aate hain. लेकिन दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं. दैट इज गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक. एंड इट्स देयर एंड इट्स प्रिम. बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे. एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बेरीड, बट दोज ग्रेव्स आर नॉट देयर. बट द दरगाह एज अ सिंबल ऑफ द फैक्ट दैट देयर वर मुस्लिम्स हियर स्टिल एग्जिस्ट एंड इट्स पेंटेड, इट्स नाइस एंड पीपल कम देयर. आपके यहाँ पीछे अभी एक कल परसों में देख रहा था, हिंदू डॉक्टर का उसके ड्राइवर ने गला काट दिया. काफी बड़े डॉक्टर थे पाकिस्तान के, कुछ गला काट दिया. मतलब ये जो चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइज सोसाइटी है और जो एलिमेंट्स है चुप तो बैठ नहीं रहे. माना कि आपके पॉलिटिकल क्लास शायद अभी जाएगा यार शांति पर, शांति रहे, पर पॉलिटिकल क्लास के हाथ में कितना है. फिर ये कि चाइना आपसे क्या करवाता, चाइना क्या चाहता, चाइना की मंशा क्या है. फिर आपके यहाँ ईरान का भी प्रेशर कभी ना कभी आ जाता दाएं बाएं से. फिर तहरीके तालिबान वाले, तालिबान वाले तो पाकिस्तान तो कई सारे फोर्सों के बीच में, उस पर पैसा नहीं है. और चीजें दो खुल के सामने, एक तो आपको चाइना ने अचानक $700 मिलियन का लोन दे दिया, उसकी शर्तें क्या आरजू जी किसी को नहीं पता. दूसरा आपको चाइना $1.3 बिलियन की लोन की बातें कर रहा है. अब चीनियों का दिल तो पत्थर का होता, तो ये दिल कैसे पसीज गया, क्या शर्तें क्या नहीं है. मेरा आकलन है, मुझे कुछ सोर्स बेस इंफॉर्मेशन है कि जो चाइना कह रहा है कि वो आपकी जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसकी जमीन को चाइना को मॉर्टगेज करने की बातें हो रही हैं, कुछ लाख एकड़ जमीन. क्योंकि चाइना की आप जानते हैं चाइना फूड सरप्लस तो है नहीं, फूड डिपेंडेंट है चाइना, काफी अपना खाना इंपोर्ट करता है. और जो उसने जमीनें अफ्रीका में ली थी आरजू जी, उन पे उनका कंट्रोल रहा नहीं चाइना का, क्योंकि उन्हें लग रहा है अफ्रीका में रह के वो जमीनें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. क्योंकि सच्चाई ये है चाइनीज नेवी तो साउथ चाइना सी नहीं छोड़ पाती, और चाइनीज आर्मी अफ्रीका में जाके कुछ कर नहीं सकती, चाइनीज एयरफोर्स इतना पावरफुल है नहीं. तो अब और जो उन्होंने करीब 200 कंट्रियों को उन्होंने डेट ट्रैप कर रखा, उनमें से 19 तो हमारे पास आ गई. 50-100 कंट्रियों को करीब डेट ट्रैप कर रखा, 19 हमारे पास आ गई जी, अब हमें डेट ट्रैप से निकलने की मदद करो. तो हम उनकी मदद कर रहे हैं उसमें. तो यहाँ पे चाइना को अपना वर्चस्व घटता नजर आ रहा है. चाइना में अगर आप देखे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स गए हैं यूएस से, अब की बार 40% कम गए हैं. चाइना से डिकपलिंग हो रही है. फॉक्सकॉन का 600 मिलियन का कारखाना हमारे यहाँ लग रहा है. तो काफी ऐसी चीजें हो रही है आरजू जी, जिसमें चाइना का थोड़ा सिस्टम खराब हो रहा है. अब चाइना के पास कौन सी ऐसी टेरिटरी है जहां मिट्टी के दाम पे उसे लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन मिले. देखिए पंजाब के, पाकिस्तान की, इंडिया की बात करें, पंजाब पाकिस्तान की बात करें, दोनों जगह जमीन उपजाऊ है. और यहाँ चार फसलें होती है, चाइना में एक फसल होती है, दो भी नहीं होती. और काफी लैंड कल्टिवेबल है ही नहीं. तो अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या पंजाब की जमीन गिरवी रखी गई है चाइना को.